अजमेर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अजमेर में आज अभी तक 58 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। देखिए, अभी इन दिनों हमारी जो है ना कोरोना की टेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाई गई है नए ऑर्डर्स के हिसाब से। तो ये बड़ी सिंपल सी जग जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा नंबर में हम टेस्टिंग करेंगे उतने ज़्यादा नंबर में हम कोरोना के पेशेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कोरोना का संक्रमण दो तरीके का हो सकता है, एक होता है सिम्टोमेटिक, एक होता है एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब ये है कि जिस आदमी को मरीज़ को तकलीफ़ है, और जिसको तकलीफ़ नहीं है उसको हम कहते हैं एसिम्टोमेटिक। अब जैसे मान लीजिए मेरे घर में किसी को कोरोना हुआ, वो व्यक्ति संक्रमित था, उसको कोई तकलीफ़ हुई, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट पॉजिटिव आया। अब इसके साथ गवर्नमेंट या महकमा क्या करता है कि घर के सब लोगों के टेस्ट सैंपल लेता है। वो घर के सब लोग स्वस्थ हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन सैंपल लिए जाते हैं उनके, और सैंपल लेके पता लगा उनमें से 5 में से 2 आदमी और पॉजिटिव आ गए। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि उन 2 आदमियों का अर्ली डिटेक्शन, यानी कि उनको जल्दी पहचान हो गई, और साथ में उनका अर्ली आइसोलेशन कर दिया गया। अर्ली आइसोलेशन मतलब उनको हमने उनको एक जगह पर उनको इकट्ठा कर दिया, यानी कि दूसरे लोगों से उनको मिलना जुलना रोक दिया। अब इस आइसोलेशन का फ़ायदा हुआ है कि जो कोरोना की जो चेन चलती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो वाली चेन हमने उस लेवल पर रोक दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोरोना की यह है कि चेन ब्रेक करी जाए, और उसका तरीका यही है कि आइडेंटिफिकेशन करके आइसोलेट कर दिया जाए। और अभी तक आप सबको पता है कि कोरोना की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। तो जब तक हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, विशेष इलाज या विशेष वैक्सीन नहीं आता, तब तक हमें आइसोलेट करके उस ट्रेन को उसी स्पॉट पर ख़त्म करना है। तो इसी सिलसिले में जैसे नंबर ऑफ़ टेस्टिंग बढ़ी है, उसी सिलसिले में नंबर ऑफ़ पेशेंट भी आइडेंटिफिकेशन बढ़ गया है। अब आप लोग थोड़े परेशान हैं कि कोरोना का विस्फोट हो रहा है, ऐसा नहीं है, विस्फोट वाली बात नहीं है, चीज़ें से उभर के सामने आ रही हैं, जो पहले छुपी हुई थी अब उभर के सामने आ रही हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि सामने आई तो कम से कम हमें पता लगा हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है, उसी ताकत से हम अपने व्यवस्था अपनी तैयारी करेंगे उस दुश्मन से लड़ने की। तो आज की जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें लगभग मेरे को जितना ध्यान आ रहा है 98 पेशेंट शहर और आसपास के इलाकों के हैं। अब उन 98 में से कितने सीरियस हैं कितने नहीं हैं, अगले 2-3 घंटे में हमारे पास में भर्ती होने जब आएंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो वो तो एक तो कहानी ये हुई। अभी जो कोरोना की स्थिति है वो हमारे अस्पताल की, जेएलएन अस्पताल की, हमारे पास 34 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं। अब थोड़ा खतरा इसमें यह है कि इन 34 में से अभी भी हमारे 3 पेशेंट बाईपैप पर हैं, 9 पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं। जो पेशेंट बाईपैप और ऑक्सीजन पर हैं इसका मतलब उनके फेफड़े काफ़ी ख़राब हैं, और नॉर्मल जो वायुमंडल के ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त नहीं है, उनको और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, इसका मतलब फेफड़े कंप्रोमाइज़ हैं। ऐसे मरीजों को हम सीरियस मानते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए डरने की बात है कि उन मरीजों को जल्दी से जल्दी इलाज मिल के, जल्दी इलाज तो खैर मिल दे रहे हैं, जल्दी जल्दी ईश्वर की दया से वो ठीक हों, वो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास अभी 24 पेशेंट भर्ती हैं, उनमें से भी हमारे 6 पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं। तो अब थोड़े से जो पेशेंट जो बाहर निकल कर आ रहे हैं रिलेटिवली पहले की तुलना में थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन जो हमारा पुराना ऑब्जर्वेशन है सीरियस वही मरीज़ हैं, या तो उनकी उम्र ज़्यादा है 65 साल 70 साल 75 साल, या फिर उनको कोई ना कोई बीमारी है, विशेष रूप से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारी हो, सेप्टिसीमिया हो, किडनी की बीमारी हो, ऐसे पेशेंट खतरे में हैं। तो ये बात सबसे बड़ी बात है। तो बार बार मैं आप लोगों के माध्यम से एक जो निवेदन करना चाहता हूँ आम जनता तक कि दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जो लोग किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं उनको अपने आप को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, और अपनी बीमारी को मेटिकुलस कंट्रोल की ज़रूरत है। डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा रखें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रखें, नियमित दिनचर्या बनाए रखें, और साथ ही साथ अपने दूसरे लोग जो कि रिलेटिवली दूसरे ऐसे लोग हैं जो कि जो शहर में बाहर ज़्यादा घूम रहे हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें, या मास्क का प्रयोग करें। ऐसे लोग जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं घर में भी मास्क का प्रयोग करें, बिना मास्क के घर में ऐसे सदस्यों से नहीं मिलें जो जिनका अक्सर घर से बाहर आना जाना हो। किसी वजह से अगर आपको घर से बाहर जाना आना है तो दो बातें फिर ध्यान रखने की है। पहली बात, जितनी जल्दी अपना काम करके लौट पाएँ लौट जाएँ। दूसरी बात, बिना मास्क के 1 मिनट भी घर से बाहर नहीं रहें। और क्लोज एनवायरनमेंट जैसे कि हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर एसी चल रहा है तो हर व्यक्ति को हर वक्त मास्क पहनना है, बिल्कुल मास्क कभी नहीं उतारें, क्योंकि ये वायरस इसी एनवायरनमेंट में घूम रहा है और वापस रीसर्कुलेशन से आपके शरीर में अंदर जा सकता है। मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन, मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ये 3 मूल मंत्र हैं इस बीमारी से बचाव के। सर क्या मानते हैं? व्यवस्था है हमारे पास में, पूरी व्यवस्था है, हमने अभी 100 बेड कोरोना के पेशेंट के लिए आरक्षित कर रखे हैं, तो इतने ही करीब हमारे पास पेशेंट रह रहे हैं। साथ में कोविड केयर सेंटर जहां पर कि रिलेटिवली माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक की व्यवस्था है वो CMHO साहब संभाल रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके पास भी पूरी व्यवस्था है। हमारे पास व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं, ये मैं आपको सबको अश्योर करना चाहता हूँ।